जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी वोटर आईडी कार्ड 2021 आपको कैसे बनवाना है घर बैठे इसके बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी में 2022 के अंदर चुनाव है, तो अभी जो फर्स्ट टाइम वोटर है, यानी कि जो अभी फर्स्ट टाइम वोटर बनने वाले हैं और उनका वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना है, तो आप यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। आपका पोर्टल ऑन हो चुका है न्यू वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए। तो आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस जानने को मिल जाएगा कि कैसे आपको यह फॉर्म भरना है, और इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप घर बैठे इस फॉर्म को भर पाएंगे और फिर आपको डाक द्वारा आपका वोटर आईडी कार्ड घर पर भेज दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको अप्लाई करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि आप वॉच कर रहे हैं। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको आना है और लॉगिन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो अगर आपका बाय चांस इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट है, तो आपको यहां पर जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाली थी वो डाल दीजिए, पासवर्ड यहां पर डाल दीजिए और ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लीजिए। बट जैसे कि हमने कहा कि आप फर्स्ट टाइम यूजर है, तो आपको यहां पर डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज न्यू यूजर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको आपका वो नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर कराना चाहते हैं वोटर लिस्ट के अंदर। इसके बाद यहां पर आपको एक कैप्चा कोड डालना है और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। फिर आता है आपका इपिक नंबर और आई डोंट हैव इपिक नंबर, तो आपको यहां पर आई डोंट हैव इपिक नंबर इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो कि ये ऑप्शन आपके सामने तभी एक्टिव होंगे जब आप यहां पर नंबर पर भेजे गए ओटीपी को वेरीफाई कर दोगे। फिर आपको यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, और जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेना है। जो आपका पासवर्ड है वो किस तरह का होना चाहिए वो आप यहां पर देख लीजिए। जैसे कि मेरा नाम है अमजद, तो मैं ए कैपिटल करूंगा, उसके बाद में स्मॉल में और स्पेशल कैरेक्टर में मैं एट द रेट का इस्तेमाल करूंगा, और फिर 256 इस तरह से मैं ये पासवर्ड क्रिएट कर लूंगा। यानी कि आपका कुछ इसी टाइप का पासवर्ड होना चाहिए। अब आपने यहां पर ये जानकारी भर दी है, इनको अच्छे से वेरीफाई कीजिए और वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपका जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो जाए, आपको यहां पर या तो लॉगिन का पेज के ऊपर आ जाना है, नहीं तो आपको डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर क्लिक करके यहां पर वो यूजर नेम एंटर करना है, या फिर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है। यहां पर पासवर्ड डाल दीजिए जो आपने अभी क्रिएट किया है, फिर ये कैप्चा यहां पर डाल करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, आप प्रोफाइल और लॉग आउट का यहां पर लिंक देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल पा रहे हैं। फ्रेश इंक्लूजन एनरोलमेंट, यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर हो तो आपको यहां पर क्लिक करना है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट हुए हो तो आपको यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके जानकारी को भरना होगा। अगर आप वोटर आईडी के अंदर कोई करेक्शन कराना चाहते तो आपको यहां पर क्लिक करके डिटेल को भरना होगा। बट इस वीडियो के अंदर मेनली मैं बताने वाला हूं फर्स्ट टाइम वोटर को, तो आपको यहां पर फ्रेश इंक्लूजन एनरोलमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सिलेक्ट करना है कि आई रिसाइड इन इंडिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको पूछा कि आप कौन सी स्टेट की वोटर आईडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आप कौन सी स्टेट से है। तो मैं यहां से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूं, देन आपको यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले पूछा कि सिलेक्ट योर पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो यहां पर आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपके सामने यहां पर काफी सारे जो विकल्प है वो आ चुके हैं, तो चलिए मैं अपना विकल्प यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। जहां पर भी आपकी जगह है वही आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो यहां पर हमने सहारनपुर सिलेक्ट कर लिया है। अब आता है एंटर पोस्टल एड्रेस, तो यहां पर उत्तर प्रदेश आपकी स्टेट दी गई है। डिस्ट्रिक्ट यहां पर आपको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहां पर आता है हाउस नंबर, तो आपका जो भी हाउस नंबर है वो यहां पर एंटर कर देना है। इसके बाद यहां पर स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी, यानी कि जो आपका एड्रेस है आपको उस एड्रेस की जानकारी यहां पर लिखनी है। आपके टाउन विलेज का क्या नाम है वो यहां पर लिखना है। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है वो यहां पर आपको लिख देना है। पिन कोड आपको यहां पर डाल देना है। इसके बाद आपको यहां पर नीचे लाइन दी है कि आई एम ऑर्डिनरी रेसिडेंट एट द एड्रेस गिवन एट अबो सिंस, यानी कि यहां पर जो आपने ऊपर जानकारी दी है आपको ये बताना है। यहां पर नीचे डेट ऑफ सिलेक्ट करके डेट मंथ ईयर की मैं
इस डेट से यहाँ पर लगातार रहते आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके कोई भी ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है और जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट है इस पर अपलोड करने के लिए वो आप देख लीजिए, जैसे कि इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक, किसान, पोस्ट ऑफिस, करंट पासबुक, राशन कार्ड, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, यानी कि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वही सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। फाइल का साइज 2 MB से ज़्यादा न हो। अब जैसे आप इसको अपलोड कर दें तो नीचे है एंटर फैमिली ईपिक इफ एप्लीकेबल, अगर आपके पास ये है तो आप इसको भर सकते हैं। बेसिकली ये आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ की जानकारी आपको देनी है, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पहले यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। टाउन विलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद स्टेट, तो आपको यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के आप देखोगे एज प्रूफ, तो एज प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ क्लास 10th और 8 और 5, यानी कि 5वीं की 8वीं की या 10वीं की, इसमें से कोई भी आप यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार लेटर इश्यूड बाई UIDAI, तो इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वही सिलेक्ट कर लीजिए और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड कर दीजिए। फिर दोस्तों नीचे है एज डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर डाउनलोड एज डिक्लेरेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये फाइल आपकी अपलोड हो जाए, सॉरी डाउनलोड हो जाएगी। आपको इस फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर इस फाइल के अंदर क्या है वो मैं आपको यहाँ पर अभी बताता हूँ। तो ये आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड डाउनलोड हो चुकी है। इसमें है आपका फॉर्म 6, तो आपको क्या करना है यहाँ पर आना है, आपको दिया है आपका नाम, तो आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है, सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, यहाँ पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम देना, नहीं तो आपको आपके पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। रेसिडेंट ओ के सामने आपको आपका एड्रेस लिखना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर आपका आई हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द इलेक्ट्रोल रोल ऑफ, तो यहाँ पर आपने कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अप्लाई किया है उसका नाम देना है, जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जहाँ पर आपके जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जैसे कि मेरी पड़ती है रामपुर मनिहारन सहारनपुर में, तो मैं यहाँ पर वो लिखूंगा। आपको पता ही होगा कि आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ पर पैलेस का नाम देना है और नीचे आपको डेट लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इसको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद यहाँ पर आपको इसको अपलोड कर देना है, देन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने आती है पर्सनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। पहले आपको दिया है नेम, तो आपको यहाँ पर अपना नेम इंग्लिश के अंदर लिखना है। फिर यहाँ पर दोस्तों है रीजनल, तो जो कि आ चुका है। सरनेम जो भी आपका है वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर है जेंडर ऑफ एप्लीकेंट, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। नीचे है एंटर योर फादर, मदर, हस्बैंड डिटेल, यानी कि आपको बेसिकली फादर की जानकारी भरनी है, शादी हो चुकी है तो आप हस्बैंड की जानकारी भर सकते हैं। तो आप किसकी जानकारी दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर पहले सेलेक्ट करना है। फिर जो भी आप जानकारी दे रहे हैं आपको उनका नाम यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको उनका सरनेम सेम तरीके से एंटर कर देना है। अब यहाँ पर नीचे है अपलोड डॉक्यूमेंट, जहाँ पर बोला है कि योर फोटोग्राफ, तो आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड करनी है। आपको यहाँ पर बोला है कि चूज फोटो टू अपलोड, तो यहाँ पर आपको बेसिकली इसके इंस्ट्रक्शन दिए गए, आपको उनको क्लोज करना है। चूज फाइल के अब आपको के ऊपर आपको क्लिक करना है, जहाँ पर आपको आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं एक रैंडम इमेज यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको आपको बेसिकली एडजस्ट कर लेना है। ये आपको कुछ इस प्रकार से जैसे भी आपका फोटो होगा उसको एडजस्ट करना होगा और फिर यहाँ पर गेट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको सेव कर देना है। ये मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, जो कि मैं बाद में सही कर लूँगा। देन आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस आ चुका है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। प्लीज़ चूज इफ़ यू आर डिफरेंटली एबल्ड, क्या आप विकलांग है, अगर है तो आपको यहाँ पर टिक करना है जो भी आपकी कैटेगरी है, नहीं तो आपको उसको खाली छोड़ना है। अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है अगर आप देना चाहते हैं, देन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों डिक्लेरेशन आपके सामने आ चुका है। आपको यहाँ पर ये बोला है कि माई नेम हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड, तो बेसिकली आपको यहाँ पर आपके पैलेस का नाम देना है जहाँ से आपने इसमें अप्लाई किया है। डेट यहाँ पर दी
दी गई है और अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आपको इन सभी जानकारी को अच्छे से वेरीफाई कर लेना है और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई भी जानकारी गलत है तो बैक के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको एक नंबर मिलेगा जिससे कि आप आपकी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर होम पेज पर आना है, यानी कि नेशनल इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पर दोस्तों जो आपको रेफरेंस आईडी अभी मिली है वो यहाँ पर एंटर करनी है, ट्रैक स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके आपके वोटर आईडी का स्टेटस देख पाओगे कि अभी कहाँ पर है और किसका क्या प्रोसेस अभी तक कंप्लीट हुआ है। तो इसी प्रकार से आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आप घर बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हो। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।